हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। आज जो है हमारी वीडियो टेक्निकल है, जिसमें हम लोग इग्निशन कॉइल, उसकी वायरिंग और मॉड्यूल से यानी कि ईसीयू से वो किस तरह से काम करती है, कैसा इनपुट होता है उसका, कैसा उसका आउटपुट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा कम्प्लीट डिस्कशन करेंगे। और इग्निशन कॉइल की वायरिंग के साथ साथ हम समझेंगे कि जो हमारे दो वायर वाले एक्चुएटर होते हैं, जैसे कि DRV हो गया या EGR वॉल्व हो गया या इंजेक्टर हो गया, ये किस तरह से इनकी वायरिंग काम करती है, इसमें कितनी वोल्टेज सप्लाई आनी चाहिए, कितनी इनकी फ्रीक्वेंसी और कितना ड्यूटी साइकिल होना चाहिए, इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इस टेक्निकल वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि आप लोग जो है एक सादे मल्टीमीटर से इन सब काम को नहीं कर सकते, तो मेरी तरफ से ये आपकी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप एक सेंसर टेस्टर को परचेज नहीं कर सकते हैं, आपका इतना बजट नहीं है, तो आप ये 2-3 हज़ार रुपये के जो मल्टीमीटर आते हैं मार्केट में, जिसको हम लोग ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर बोलते हैं, इससे आप अपना काम कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ में। लगभग इसके जितने रिजल्ट्स, लगभग मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मगर इसके जितने रिजल्ट्स ये निकाल करके लगभग आपको दे सकता है, जिससे आप ये क्लियरली अपने डाउट को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका वायरिंग में प्रॉब्लम है, कि सेंसर में प्रॉब्लम है, कि आपके ECM में प्रॉब्लम है। और मेरे बताने के तरीके को आप बड़ी आसानी से एनालाइज कर पाएंगे कि मैंने जो आपको समझाया है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। लाइक अगर मैं किसी वायरिंग के बारे में आज तक के जो समझाया हूँ उसमें किसी भी पॉइंट में मैं डाउट नहीं छोड़ता हूँ, और हर एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझाता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और इस टेक्निकल पार्ट के बाद में मैं अपने उन सभी यूज़र्स को ये बताना चाहूँगा जिन्होंने कमेंट्स में मुझे कहा था कि अगर मैंने ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया है तो मैं अब टेक्निकल वीडियोज़ और जो मेरी जानकारी है, जो मेरे अंदर जानकारियों का खजाना है, वो मैं YouTube पे अपलोड करना बंद कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा वजूद डायग्नोसिस से है और डायग्नोसिस को मैं YouTube पे हमेशा इंट्रोड्यूस करते रहूंगा और आप सभी लोगों के लिए नई नई टेक्निकल वीडियोस लेकर के आते रहूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम वायरिंग और उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर में आएंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को अपना ट्रेनिंग सेंटर, जो कि मैंने टेक्निकल सपोर्ट को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए स्टार्ट किया है, उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सबसे पहले हम अपने टेक्निकल पार्ट जो है उसको कवर करते हैं, उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा क्यों शुरू किया गया है, इसका मकसद क्या है और इसके ज़रिए आप लोग अपना भविष्य कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारी टाटा की टियागो पेट्रोल वेरियंट है और ये रहा हमारा इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल में बेसिकली दोस्तों दो वायर है हमारी, तो अभी कौन सी वायर पॉजिटिव की है, कौन सी वायर नेगेटिव है, इसको चेक करने के लिए मैं आउटो रेंजिंग मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकता हूँ और हमारे GDAC सेंसर टेस्टर का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मैं इसका नेगेटिव प्रॉब यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो मेरा ये जो GDAC है ये ऑन हो जाएगा। ओके, अब अगर मल्टीमीटर में मुझे चेक करना होगा तो मल्टीमीटर में मैं इसे वोल्टेज पर सेट करूँगा। ये ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर है तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन चलती रहती है, उस पर दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे देखना है कि MV नहीं दिखाना चाहिए, V दिखाएगा तो मतलब वो वोल्टेज है हमारा और उसी को हम लोग जो है असली वोल्टेज मानेंगे। ये माइक्रो वोल्टेज है। ये देखिए कि यहाँ पर जो है हमारा ये नेगेटिव प्रॉब है, इस नेगेटिव प्रॉब को मैंने मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में ये जो मेरा रेड कलर का प्रॉब है, इससे अब मैं इसकी वोल्टेज सप्लाई को चेक करूँगा। इग्निशन हमारा ऑन रहना चाहिए दोस्तों, इग्निशन ऑन कर दीजिए। इग्निशन ऑन करने पर आपका 12 वोल्ट का करंट दिखाएगा इस इग्निशन कॉइल की पहली वाली वायर पे, और जब मैं दूसरी वाली वायर पे देखूँगा तो इसमें भी जो है मुझे 12 पॉइंट वोल्टेज ही दिखा रहा है, इस वायर में भी और इस वायर में भी। तो बेसिकली दोस्तों ये क्या है, इसका सर्किट एक अलग तरीके से काम करता है। प्लीज होल्ड द कैमरा। मान के चलिए कि ये आपकी इग्निशन कॉइल के 2 पॉइंट हो गए और ये इग्निशन कॉइल अंदर से जो है इसका सर्किट कंप्लीट है।
तो अब जो है अगर एक वायर में हमारा 12 वोल्ट का पॉजिटिव करंट आएगा तो वो दूसरी वायर से रिटर्न जाएगा। इग्निशन कॉइल, DRV, इंजेक्टर्स, 12 वोल्ट का करंट हो, 5 वोल्ट का हो या फिर कोई सा भी करंट हो, आपका सोलेनाइड हो गया या फिर इग्निशन कॉइल हो गया, उसमें रिटर्न होगा। दो वायर वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और ECU क्या करता है कि इसमें से जो है स्पार्क निकालने के लिए, मान के चलिए कि आपका स्पार्क है जो कि स्पार्क प्लग से निकलता है, उसको निकालने के लिए यहाँ पर जो है नेगेटिव माइनस 12 वोल्ट का जो करंट है वो इसको कुछ सेकंड के लिए देता है। कुछ सेकंड मतलब कि सेकंड के भी कुछ हिस्से के अंदर में हमको ये करंट मिलेगा जिससे कि ये स्पार्क पैदा होता है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि एक वायर में 12 वोल्ट आएगा और दूसरी वायर से निकलेगा। अभी हमने देखा था कि ये जो है हमारा एक कपलर में 12 वोल्ट का आ रहा था। अब मैं इसके कपलर को बाहर निकालूंगा और बाहर निकाल करके आपको मल्टीमीटर से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इस वायर में मेरा 12 वोल्ट का करंट आ रहा है और अब जो है मैं दूसरी वायर में लगाता हूँ। मैंने इस पॉइंट पे लगाया और अब देखिए कि मेरा वहाँ पे जो करंट हुआ नहीं बन रहा है। आप कैमरा पीछे कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, वेल डन। अब ये देखिए इसको ऐसा। हाँ, वेल, थैंक यू। ये मेरा करंट इसमें जो है नहीं बन रहा है। एंड नाउ मैं दूसरे में कनेक्ट करता हूँ। हाँ, ये इसमें मेरा 12 वोल्ट का करंट है और इसमें मेरा नहीं बन रहा है। और ये मेरी कौन सी वायर है, रेड पे ब्लैक कलर का पट्टा है, ये वाली वायर पे जो है मेरा पॉजिटिव नहीं बन रहा है और जो मेरी बाजू वाली वायर है इसमें मेरा बन रहा है। और अब मैं इस कपलर को लगाऊंगा तो मेरी इस रेड पे जो ब्लैक वाला वायर है इसमें मेरा 12 वोल्ट का करंट बनना शुरू हो गया। दिखाइए वहाँ पे, या तो इसमें मेरा ये करंट बनना शुरू हो गया। इसको मैं GDAC की मदद से भी चेक कर सकता हूँ। बेसिकली दोनों का वोल्टेज नापने में काम जो है सेम ही होता है। ये देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसमें भी दिखा रहा है और अगर मैं वायर चेंज करूँ तो मुझे दूसरी वायर में भी जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही दिखा रहा है। तो दोनों पे जो है मेरा 12-12 वोल्ट करंट आ रहा है। और अब जो है ECU क्या करेगा, स्पार्क पैदा करने के लिए इसकी जो दूसरी वाली वायर रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलर वायर। कभी भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोलर वायर। और इस कंट्रोलर वायर पे ECU जो है ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी में करंट देता है जिसमें कि वो मान के चलो कि ये 12 वोल्ट इसमें है, ये कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ सेकंड नहीं, सेकंड के भी कुछ हिस्से में आपको ये नेगेटिव करंट देगा। और जैसे ही ये करंट आएगा हमारा नेगेटिव, वैसे ही हमारा स्पार्क पैदा होगा। DRV में भी जो है नेगेटिव ऐसे ही आता है आपका, कुछ समय के लिए आएगा और फिर चला जाएगा। ठीक है, ये जो 12 वोल्ट पॉजिटिव है ये हमारा रिटर्न हो रहा है और जो ये वाला नेगेटिव हमारा आ रहा है ये हमारा ECU से आ रहा है। तो इसको हम किस में चेक करेंगे, ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे और उससे जो है हम इसका पता लगाएंगे कि इसकी वायरिंग में जो है वो ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी इसमें आ रही है तो फिर इस इग्निशन कॉइल को काम करना चाहिए। और अगर ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी के बाद में भी अगर वो फायर नहीं कर रहा है तो आपकी इग्निशन कॉइल ख़राब है। इस तरीके से जो है मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि मेरी इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम है, कि उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, कि मेरे ECM में प्रॉब्लम है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। 12 वोल्ट का मेरा करंट आ रहा है और वो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब कि इग्निशन कॉइल का जो ये इंटरनल सर्किट है ये हमारा हो गया ओके। एक से जाना चाहिए, दूसरे से रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद में अगर ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो उसको पहले आप चेक करेंगे वायरिंग में कि भैया आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। ओके, अब वायरिंग में वॉट एवर कोई सा भी फॉल्ट हो, फिर उसके बाद में जब ये नेगेटिव वायर पे मैं अपने ऑस्किलोस्कोप से यानी कि हमारे JDAC से या फिर हमारे मल्टीमीटर से अगर मैं चेक करूँ फ्रिक्वेंसी या ड्यूटी साइकिल तो वो आनी चाहिए। अगर वो फ्रिक्वेंसी या ड्यूटी साइकिल नहीं आ रही है और क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट सेंसर भी ओके है तो मैं उसकी वायरिंग चेक करूँगा। वायरिंग में अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो वो ECM का प्रॉब्लम हो गया।
और अगर आपका जो है ECM ओके है और वायरिंग में फॉल्ट है तो आपको वायरिंग को ठीक करना पड़ेगा। और अगर आपकी ये फ्रिक्वेंसी ड्यूटी साइकिल आ रही है उसके बाद में भी आपका ये जो स्पार्क है ये पैदा नहीं हो रहा है स्पार्क प्लग में, तो आपकी इग्निशन कॉइल ख़राब है। इनपुट और आउटपुट ओके होने पर कंपोनेंट ख़राब होगा, क्लियर। तो अब जो है इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने मल्टीमीटर को जो है HZ और परसेंटेज में सेट करूँगा। HZ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज मतलब होता है ड्यूटी साइकिल। ये सिलेक्ट से आप जो है मूड चेंज कर सकते हैं इसका, तो मैं भी फ्रीक्वेंसी में रखूँगा। और फ्रीक्वेंसी में रखने के बाद में दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैं इसमें लगा दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा कि जीरो होने के बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट कीजिए गाड़ी को प्लस दबा के। ये देखिए दोस्तों ये मेरी फ्रीक्वेंसी बनना शुरू हो गई है और जैसे जैसे रेस करूँगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होते जाएगी हमारी। रेस कीजिए, बस बस बस। और इसी चीज़ को क्या मैं ड्यूटी साइकिल में भी देख सकता हूँ कि कितने परसेंट की ड्यूटी साइकिल है। तो पॉजिटिव करंट हमारा जो है 98% तक के रुक रहा है और 2% हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब 98% जो पॉजिटिव है वो रिटर्न में है और 2% नेगेटिव है। मतलब कि एक सेकंड के 100 टुकड़े कर दिए जाए तो उसमें से 2 टुकड़े जो है वो नेगेटिव के हैं और बाकी के 98 टुकड़े जो है वो पॉजिटिव के हैं। तो ये हमारी ड्यूटी साइकिल आने के बाद में जो है हमारा इग्निशन कॉइल काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हमारी इग्निशन कॉइल ख़राब है। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव को चेक कीजिए, और पॉजिटिव रिटर्न नहीं हो रहा है तो इग्निशन कॉइल ख़राब है। और पॉजिटिव रिटर्न होने के बाद में अगर आपकी फ्रिक्वेंसी या ड्यूटी साइकिल नहीं आ रही है तो आप ECM तक के वायरिंग चेक कीजिए। ECM तक के वायरिंग ओके है और क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट सेंसर भी हमारा ओके है तो हमारा ECM ख़राब है। ओके दोस्तों, यही चीज़ को अगर मैं ZX से देखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे ऑस्किलोस्कोप में सेट करके ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो है सेम वही नेगेटिव वायर में मैं लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसे पंच कर दिया है। इग्निशन ऑन कर दीजिए। तो अब जो है मेरा 12 वोल्ट आने लगा, पहले नेगेटिव था सॉरी जीरो था, अभी 12 वोल्ट आना चालू हो गया। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा दोस्तों। तो ये देखिए ये जो मेरा ग्राफ आ रहा है ना, ये मेरा फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल का ग्राफ है जिसमें जो नीचे वाला हिस्सा दिखाई देता है आपको चौड़ा वाला वो हमारा नेगेटिव है और ऊपर वाला जो है वो फ्रीक्वेंसी का रिटर्न है जो कि इग्निशन कॉइल से वापस आता है। तो ये जो हमारा जितने टाइम के लिए आएगा उतनी देर के लिए ये स्पार्क करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको मिलनी चाहिए तभी हम मानेंगे कि इग्निशन कॉइल को स्पार्क करना चाहिए। अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तो हमारी इग्निशन कॉइल स्पार्क बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके बावजूद भी आपका अगर फायर नहीं हो रहा है तो इग्निशन कॉइल को चेंज कर दीजिएगा। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो वायरिंग तक के, वायरिंग से होते हुए ECU तक के जाना, तो कंटिन्यूटी पे चेक कर लीजिए किसी दूसरी वायर से शॉर्ट तो नहीं है ये चेक कर लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव से शॉर्ट तो नहीं है ये चेक कर लीजिए। तो इसके लिए आपको इग्निशन ऑफ करके कंटिन्यूटी पे सेट करके पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरी वायर के साथ में कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये टेक्निकल वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर के लैब के काउंटर्स है जहाँ पे हम आप सभी लोगों को मीटर एडजस्टमेंट, ECU, रीड राइट और ऑन टेबल जितने भी काम होते हैं जैसे कि की प्रोग्रामिंग हो गया, क्लोनिंग हो गया, जनरेशन हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है वो भी पूरे प्रैक्टिकल के साथ में। और वायरिंग और सेंसर्स की जो जानकारी है वो कंप्लीट हम लोग वर्कशॉप में देते हैं प्रैक्टिकल के साथ में, जहाँ पे हमारे पास में जो है पेट्रोल और डीजल की सारी कार मिल जाएंगी। और अप्रैल के लिए भी एक अनाउंसमेंट है दोस्तों कि अप्रैल में जो हमारे मोबिडियन भाई है जो कि
रमजान होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें जो है पास में मस्जिद मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हमारा जो है शहरी या इफ्तारी का जो टाइम है उस टाइम पे पूरे सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारे पास में ट्रेनिंग सेंटर से लग कर के ही मस्जिद है और आपका शहरी और इफ्तारी का पूरा इंतज़ाम जो है यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप लोग इन छुट्टियों के दिनों में जहाँ पे रमज़ान के टाइम में काम बहुत कम होता है आप लोग यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लेंगे तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, जहाँ पे आपका काम भी कम रहेगा और आप जो है बिना किसी टेंशन के यहाँ पे अपना पूरा जो नॉलेज है जो पूरा प्रैक्टिकल है वो आराम से कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो है एक नया कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और अपने काम में एक नयापन देखेंगे आप हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है और आप लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9109565095 जो ये स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा है इस पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, लिखिए ट्रेनिंग और हमें सेंड कीजिए, हम आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी देंगे। हमारी ट्रेनिंग होती है बालाघाट मध्य प्रदेश में और हमारा सबसे पास का बड़ा रेलवे स्टेशन है गोंदिया जंक्शन महाराष्ट्र का, जो कि यहाँ से महज आधे घंटे की दूरी पे है, जहाँ से ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको जो है ट्रेन मिल जाएगी। तो आप बाया ट्रेन भी आ सकते हैं, बस भी यहाँ तक के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हॉस्टल मेस और लॉन्ड्री की सारी फैसिलिटी हमारी तरफ से रहती है, तो उसको लेकर के भी आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और अगर मेरी टेक्निकल वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, बाय।